Hello students, today we are going to learn 3.3 Let's Speak lesson, which is given in your textbook and workbook also. So children, इससे related, workbook से related आपको maths, English और US के lessons available हैं. आप playlist में जाके वो देख सकते हैं. तो चलिए children, हम सीखेंगे आज 3.3 का Let's Speak का lesson. तो ये lesson आपको sentences read करने के लिए help करने वाला है. So यहाँ पे लेंगे हमारा oral work. क्या दिया है आपको oral work वो समझेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग. तो यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है और उसका मीनिंग दिया गया है. तो फर्स्ट वर्ड है सैपलिंग. सैपलिंग मीन्स अ यंग प्लांट और ट्री, मीन्स पौधा, जिसे हम हिंदी में पौधा कहते हैं. ओके, अ यंग प्लांट और ट्री. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, देखिए यहाँ पे लिसन एंड से, आपको क्या करना है, ये सुनना है, ये जो वर्ड्स है इनको सुनना है और दोहराना है. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जो वर्ड है वो है राइडिंग. देन राइडिंग मीन्स सवारी करना, राइट. देन सेकेंड वर्ड इज क्लाइंबिंग. क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना. ड्राइविंग मीन्स चलाना. सैपलिंग पौधा. आयनिंग इस्त्री करना. देन स्किपिंग मीन्स रस्सी कूदना. स्किपिंग. प्लांटिंग. प्लांटिंग मीन्स किसी पौधे को लगाना, इसके एक्शन को प्लांटिंग कहते हैं. देन फीडिंग. फीडिंग मीन्स खिलाना. फीडिंग. ट्रैक्टर. ट्रैक्टर. बाइसिकल. बाइसिकल, जिसे हम साइकिल भी कहते हैं, राइट. तो ये आपको डिक्टेशन वर्ड दिए गए हैं जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं. सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. लिसन एंड रीड. लुक एट द पिक्चर्स, लिसन टू द टीचर एंड रीड द सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस आपको यहाँ पे दिया गया है विद पिक्चर्स. ओके, यहाँ पे पिक्चर हैं, आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड होने के लिए यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, अ गर्ल इज राइडिंग अ बाइसिकल. ओके, गर्ल क्या कर रही है, राइडिंग कर रही है, किसके ऊपर, बाइसिकल पे. अ गर्ल इज राइडिंग अ बाइसिकल. सेकेंड, अ बॉय इज क्लाइंबिंग अ ट्री. यहाँ पे बॉय दिख रहा है आपको, वो क्या कर रहा है, क्लाइंबिंग करना है. अ बॉय इज क्लाइंबिंग अ ट्री. थर्ड सेंटेंस, अ वुमेन इज ड्राइविंग अ कार. यहाँ पे पिक्चर में एक वुमेन है, वो क्या कर रही है, ड्राइविंग कर रही है. अ वुमेन इज ड्राइविंग अ कार. फोर्थ, अ मैन इज आयरनिंग क्लॉथ्स. अ मैन इज आयरनिंग क्लॉथ्स. ओके, फिफ्थ, अ गर्ल इज कीपिंग अ रोप. ये गर्ल क्या कर रही है, स्कीपिंग. ओके, अ गर्ल इज कीपिंग अ रोप. सिक्स, A man is driving a tractor. A man is driving a tractor. 7. A woman is planting rice sapling. A woman is planting rice sapling. Okay? वो क्या कर रही है, वो जो राइस के पौधे होते हैं ना चावल के, उसे वो लगा रही है. सो कहेंगे हम, A woman is planting rice sapling. Then 8. A boy is riding a horse. A boy is riding a horse. ओके बच्चों, आपको ये प्रॉपर समझ में आ गए हैं सेंटेंस. ओके, अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ. नेक्स्ट, 9, A girl is feeding a cow. A girl is feeding a cow. ओके, वो क्या कर रही है, काऊ को खिला रही है. यहाँ तक आपको सेंटेंस प्रॉपरली रीड भी करने आने चाहिए बच्चों और समझने भी चाहिए. ओके, सो यहाँ तक के सेंटेंस हमारे कंप्लीट होते हैं. देन क्लास वर्क एंड होमवर्क यहाँ पे आपको दिया गया है. फोर्थ क्वेश्चन, इन द सेंटेंसेस गिवन अबाउ अंडरलाइन द वर्ड्स एंडिंग इन ing. तो यहाँ पे जो ing के वर्ड्स हैं ना, उनको हमें अंडरलाइन करनी है. तो किन को, ये जो ऊपर दिए गए हैं ना, इनको अंडरलाइन करनी है. तो यहाँ पे देखिए, फीडिंग दिया गया है, फीडिंग को हम करेंगे अंडरलाइन, क्योंकि इसको ing लगाया गया है, मीन्स उसको, इस वर्ब को ing लगाया गया है. ओके, देन उसके पहले के जो है, ये ing से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करने हैं.
ओके। यहाँ पे राइडिंग को अंडरलाइन आएगा, क्लाइंबिंग को आएगा, ड्राइविंग, आयनिंग, स्कीपिंग, ड्राइविंग, प्लांटिंग एंड राइडिंग, ओके। इन सब को अंडरलाइन आएगा क्योंकि यहाँ पे आईएनजी लगाया गया है सभी वर्ब्स को, ओके। राइडिंग, क्लाइंबिंग, ड्राइविंग, आयनिंग, स्कीपिंग, ड्राइविंग, प्लांटिंग एंड राइडिंग, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स एडिंग आईएनजी टू द वर्ड इन द बॉक्स, ओके। आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आईएनजी लगा के यहाँ पे लिखने हैं। तो वर्ड्स कौन से हैं ये पहले देखेंगे। पेंट, पुल, वॉच, प्ले, कुक, डू, स्लीप, वर्क, तो ये वर्ब्स है, ओके। इसे वर्ड्स भी कहते हैं, इनको हम अभी यहाँ पे आईएनजी लगा के लिखेंगे। पहला आपको करके दिया है, द मैन आर कुकिंग इन द किचन, ओके। द मैन आर कुकिंग इन द किचन। सेकेंड, द डंकी इज क्या कर रहा है, यहाँ पे खींच रहा है, ओके। तो इसे हम पुल यूज करेंगे, पुल, तो यहाँ पे पुलिंग द कार्ट, द डंकी इज पुलिंग द कार्ट। थर्ड, द टायर्ड चिल्ड्रन आर, द टायर्ड चिल्ड्रन आर क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो इनको वर्ड क्या है, स्लीप, द टायर्ड चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, स्लीपिंग, ओके। यहाँ पे आपका फुल स्टॉप आएगा। देन फोर्थ, रीता इज डैश डैश हर होमवर्क, रीता इज क्या कर रही है, वो होमवर्क कर रही है, तो यहाँ पे डूइंग आएगा, ओके। डू यहाँ पे दिया गया, इसको आईएनजी लगाएंगे, द रीता इज डूइंग हर होमवर्क। देन फिफ्थ, द टू गर्ल्स आर प्लेइंग बैडमिंटन, ये जो वर्ड है प्ले, इसको आईएनजी लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लेइंग बैडमिंटन। सिक्स, टॉम इज पेंटिंग, पेंटिंग अ पिक्चर, टॉम इज पेंटिंग अ पिक्चर। सेवन, द फार्मर इज वर्किंग, ये क्या कर रहा है, फार्मर यहाँ पे काम कर रहा है, तो इसे लिखेंगे हम ऐसे, द फार्मर इज वर्किंग ऑन हिज फार्म। देन एट नंबर, द बॉयज आर वॉचिंग, ये क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द बॉयज आर वॉचिंग अ मैच, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गए, ओके बच्चों। तो यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, कंप्लीट द हाफ सेंटेंसेस गिवन बिलो इन द 3 डिफरेंट वेज विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर गिवन अलॉन्ग साइड, मीन्स आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे हाफ सेंटेंस बना के दिया है, हमें हाफ सेंटेंस यहाँ पे लिखना है। तो पहले पिक्चर में क्या दिख रहा है, ये बॉय क्या कर रहा है, कुछ खा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ईटिंग, ओके। तो कैसे लिखेंगे, अ बॉय इज eating some food, okay. Then second, a boy is, अभी ये क्या कर रहा है, comb कर रहा है, अपने hair को comb कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे a boy is combing his hair, okay. Third, a boy is, ये क्या कर रहा है, खेल रहा है, a boy is playing इन द पार्क, वो क्या कर रहा है, पार्क में खेल रहा है, ऐसे हम अपने मन से बना सकते हैं, ओके। देन सेकेंड दिया गया है, वुमेन इज, अभी यहाँ पे क्या कर रही है, इसके बारे में हमें लिखना है। तो यहाँ पे पहले पिक्चर में ये वुमेन क्या कर रही है, वेजिटेबल्स को कट कर रही है, तो हमारा सेंटेंस क्या आएगा, अ वुमेन इज कटिंग वेजिटेबल्स, ओके। सेकेंड सेंटेंस आएगा, ये वुमेन कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही है, तो हम कैसे लिखेंगे, अ वुमेन इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, ओके। यहाँ तक प्रॉपर। देन सेकेंड थर्ड पिक्चर में ये कुछ लिख रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनाएंगे, अ वुमेन इज राइटिंग
ऑन पेपर, वो क्या कर रही है, पेपर पे कुछ लिख रही है. ओके, राइटिंग ऑन पेपर. यहाँ तक कंप्लीट हो गए. देन सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, वर्क एंड वर्कर्स, चूज वन वर्ड फ्रॉम द बॉक्स फॉर द फॉलोइंग. तो यहाँ पे वर्कर्स को क्या कहते हैं, इसके बारे उनके नेम्स दिए गए. ओके, पायलट, पोएट, मिल्कमैन, टेलर, कारपेंटर, जगलर, मैजिशियन, डायरेक्टर. तो उनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन, उनका वर्क दिया गया है और उनको क्या कहते हैं, यहाँ पे हमें आंसर की आंसर के अकॉर्डिंग लिखना है. फर्स्ट, अ पर्सन हु मेक्स फर्नीचर. तो फर्नीचर बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कारपेंटर. कारपेंटर. ओके, सेकंड, अ पर्सन हु टीचेस क्लॉथ्स, जो जो कपड़े सिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे टेलर. टेलर. ओके, थर्ड, अ पर्सन हु परफॉर्म मैजिक ट्रिक्स, जो मैजिक ट्रिक्स दिखाता है उनको हम क्या कहते हैं, मैजिशियन. ओके, ये यहाँ पे दिया है मैजिशियन. फोर्थ, अ पर्सन हु सेल्स मिल्क, जो मिल्क बेचते हैं दूध वाले को क्या कहते हैं हम, मिल्कमैन. मिल्कमैन. ओके, देन फिफ्थ, अ पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, जो एरोप्लेन को उड़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पायलट. ओके, देन अ पर्सन हु जगल्स ऑब्जेक्ट, उसे कहते हैं जगलर. अ पर्सन हु डायरेक्ट्स फिल्म्स एंड प्ले, तो उन्हें कहते हैं हम डायरेक्टर्स. एट नंबर, लास्ट वाला, अ पर्सन हु राइट्स पोएट, जो पोएट लिखते हैं उनको कहते हैं, पोएट्री लिखते हैं उनको कहते हैं पोएट. ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, कारपेंटर, टेलर, मैजिशियन, मिल्कमैन, पायलट, जगलर, डायरेक्टर एंड पोएट, ये सब यहाँ पे उनके नेम्स आएंगे. ओके बच्चों, तो यहाँ तक आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा बच्चों. तो बच्चों, आपको इससे रिलेटेड, सेकंड क्लास से रिलेटेड ईवीएस के लेसन्स भी अवेलेबल है, मैथ्स के वर्कबुक के लेसन्स भी अवेलेबल है और इंग्लिश के भी सारे लेसन्स अवेलेबल हैं. तो बच्चों, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं और अपनी कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं. तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, ये लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लीजिए बच्चों. तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों.